हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने बनाया है स्ट्रॉबेरी सिरा। ये देखने में लाजवाब है ही और खाने में भी। इसका फ्लेवर टैंगी टैंगी सा आता है, ये बच्चों को बहुत पसंद है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मैंने इसे बनाया है सूजी से। मैंने लिया है 1 कप सूजी, 1 कप स्ट्रॉबेरी पल्प, 1 कप वाटर, 1/2 कप शुगर एंड सम ड्राई फ्रूट्स। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन चढ़ा लिया है, इसमें डालती हूँ 1 टेबलस्पून घी। फ्लेम को मीडियम कर ले। अब मैं डाल देती हूँ 1 कप सूजी। मैंने 1 पर्सन के लिए बनाया है, आप अकॉर्डिंग टू पर्सन क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। चलिए अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं और गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैं डालती हूँ 1 टेबलस्पून घी। मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो डाल देती हूँ। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ काजू और किशमिश। आप चाहे तो इसमें अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। किशमिश भी पफ हो चुकी है, इसे भी निकाल देती हूँ। अब मैंने उसी पैन पे 1 कप वाटर लिया है और शुगर डाल रही हूँ। साथ में मैंने डाला है 1 साबुत इलायची। आप चाहे तो यहाँ पे पाउडर इलायची डाल सकते हैं। पानी में 1 उबाल आने दें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये 1 उबाल आ चुका है। अब मैं डाल देती हूँ इसमें सूजी जो फ्राई करके रखा था। इसे भी अच्छे से मिला ले। अब मैं डाल देती हूँ स्ट्रॉबेरी पल्प। देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी मीडियम फ्लेम पे। एक मिनट हो चुके हैं, अब मैं लीड हटा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी भी ये बॉईल हो रहा है। स्ट्रॉबेरी पल्प भी हमारा पक चुका है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले। साथ में सूजी को भी मिला ले। अच्छे से मिक्स कर ले। मैंने 1 टेबल स्पून घी और ऐड किया है। देखिए फ्रेंड्स, घी ऐड करने के बाद मैं सारे सूजी कितने अच्छे खिले खिले से लग रहे हैं। मैं कुछ देर के लिए कवर करके रख लेती हूँ। चलिए अब सर्व कर लेते हैं। मैंने लिया है 1 बॉल, उस पर सारे सिरा डाल दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, शेप भी बहुत अच्छी है। आप इस रेसिपी को एंजॉय करें। तब तक मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।